ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर वॉश सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने यहाँ पर एक एंशियंट स्टैचू को क्लीन किया था और इसकी हालत बेहाल हो रखी थी। वैसे सोने का था लेकिन इसका भाई अपन ने और ज़्यादा बेहाल कर दिया, बट बहुत बढ़िया लग रहा था क्लीन करने के बाद में ये, ठीक है। और उसके बाद ना कुछ एक तरह की रे वगैरह भी छोड़ रहा था, पता नहीं क्यों, बट आई थिंक ये देख रहे हो ये वाली रे छोड़ रहा था, एक ब्लू कलर की ये। एंड इसी के साथ जो है अपन ने एक और चीज़ क्लीन की थी जो कि एक स्टंट प्लेन था, एंड इसका भी भाई बुरा हाल हो रखा था, इसको भी अपन अच्छा खासा चमका दिया था। तो यार गाइस, आज के इस एपिसोड में अपन जाने वाले और एक एंशियंट मॉन्यूमेंट को क्लीन करने वाले हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ मेरे पास अभी $1750 यहाँ पर हो चुके हैं और हम लोगों को एक नया इक्विपमेंट यहाँ पर मिल चुका है जो कि $2400 का है, ठीक है। और इसको अपने को अनलॉक करना है क्योंकि भाई इससे अपन काफ़ी जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर पाएंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। कसम से बता रहा हूँ गाइस, बहुत मज़ा आने वाला अगर ये अनलॉक हो गया तो, ठीक है। तो यार गाइस, इसी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी मेन स्टोरी में और क्लीन करते हैं इस एंशियंट मॉन्यूमेंट को, ठीक है। सोनिया अलामुद्दीन ये वही है जिसने कल अपने को जॉब दी थी। थैंक्स फॉर कमिंग, वी हैव गॉट अ फ्रेश डिस्कवरी इन अर्जेंट नीड ऑफ अ होज डाउन। वी वर स्काउटिंग द एरिया आफ्टर द रिसेंट सेज्मिक एक्टिविटी and found this curious hand statue that's never been seen before, completely unearthed. Well, it has been seen before, but someone made it, but you know what I mean. Unquestionably a pre-Columbian and could be the work of the same civilization as the statues. We won't know for sure until you have worked your magic on it. And thanks again for your help before. We are learning fresh stuff about these people all the time. So let's begin the job, guys. $500 मिलने वाले भाई, और क्या चाहिए? जल्दी जल्दी पैसे मिलेंगे, जल्दी जल्दी अपने को, समझ रहे हो, वो वाला अपन खरीद पाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। लेकिन यार $2400 चाहिए भाई, उसको करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और भाई वापस उसी डेजर्ट एरिया में भेज दिया अपने को, वो देख रहे हो वो रहा वोल्केनो भाई, काफ़ी ज़्यादा दूर है इस बार तो। और एक सेकेंड पे, ये किसकी वैन है यहाँ पर? अच्छा, ये वाली वैन तो मैंने वहाँ पर भी देखी थी ना। ओ, ये वही वाली वैन है ना। आई थिंक ये लोग जो आते हैं ना यहाँ पे चेक वेक करने के लिए, कि यहाँ पे मतलब एक्सप्लोरेशन करने आते हैं, ये उन्हीं का सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अपने को इस हैंड को क्लीन करना है, तो शुरू करते हैं गाइस। ये वाला काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो टेंशन मत लो। एक सेकंड भाई, आई डोंट थिंक ये जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि इसका तुम देख रहे हो क्या, ये काफ़ी ज़्यादा है वो ले रहा है। एक सेकंड को तो आई थिंक इससे जल्दी क्लीन हो जाएगा ये, ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, कोई सीन नहीं है गाइस, जल्दी जल्दी कर देंगे इसको भी अपन क्लीन, ठीक है। लेट्स बिगिन आवर जॉब। स्ट्रेंज हाउ दैट इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटिंग इन दैट स्पेसिफिक स्पॉट, डोंट यू थिंक? नथिंग इन द डायरेक्शन ऑफ माइल्स अंटिल यू हिट द कोस्ट। इन फैक्ट, एक सेकंड रुको जरा, अभी किसका हाथ है? अभी उसी का तो हाथ है जो कल अपन साफ कर रहे थे, ये नहीं, वहाँ पर कुछ तो दिखा रहा है ये। एक सेकंड, सूरज को मार्क कर रहे हैं तो। आई मीन द मरीन इज देयर बट इट वॉज इन बैक इन दोज डेज। ये सूरज की तरफ मार्क कर रहे हैं लॉल, जो भी है भाई, हमें क्या, हमें क्लीन करने से मतलब है। चलो we'll be right back.
ओके तो बॉयज यार यहाँ पे मैंने जो है इसको पूरा का पूरा क्लीन कर दिया है, थोड़ी बहुत चीजें बची हुई है इसको अपन फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये भी पूरा हो चुका है वेबिंग। अबे ये क्या चीज़ है, एक मिनट रुक जाओ, 99% हो रुका है तो ये एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ये है, ठीक है इसको भी अपन पूरा क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर क्या बचा हुआ है इसमें, कर तो गया सब कुछ मैंने यार, हाँ कर तो दिया सब कुछ। ओके चलो फाइनली ये भी पूरी चीज़ हो चुकी है। और पता है क्या, अभी मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पर, लुक एट दिस गाइस। अरे उधर जा नहीं सकते, वहाँ पर पता है कैट्स है यार। रुको अगर मैं ट्राई करता हूँ यहाँ स्प्रे मारने की, वहाँ पे जाएगा नहीं ना वहाँ पे। वो देख रहे हो काफ़ी सारी कैट्स है भाई, देख रहे हो पूरी भसड़ कैट्स की भाई उधर जा रही है पता नहीं कहीं। तो वेल यहाँ पर अपन ने इस हैंड को भी जो है ना पूरा क्लीन कर दिया है, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी में हो रखा था भाई, ये देख लो शाइन मार रहा भाई अभी। एक सेकंड भाई, पत्थर से कितना मिलता जुलता था ना ये वाला, लोल भाई। लेकिन देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी इसके ऊपर भाई, एकदम सैंडस्टॉर्म आता रहता है भाई यहाँ पर भी, और बुरी हालत थी। फैंटास्टिक जॉब विशी, द सेक्रेट ज्योमेट्री, द सिक्स फिंगर्स, सो मच टू गेट आवर टीथ स्टक इनटू, सो एक्साइटिंग एंड सो अमेजिंग टू फाइनली सी दीज रेलिक्स एज दे वुड हैव बीन सीन एट द टाइम, यू आर अ स्टार, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर अभी आ चुकी है एक फिशिंग बोट, और जिसके मुझे मिलने वाले हैं भाई $1,150, ठीक है। मतलब इसमें डिटेलिंग में काम होने वाला है तो मेरे को ऐसे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी जल्दी कर लेंगे इसको भी। जहरी जंबालिया, क्या जंबालिया, ओके। आई स्वेयर द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वियर्डर बाय द डे, लास्ट नाइट आई वॉज आउट ऑन माई बोट व्हेन आई कॉट विफ ऑफ दिस ग्लोरियस स्मेल, इमेजिन इफ यू टुक जस्ट द जूसीएस्ट लिल श्रिम्प एंड एनहेंस्ड ऑल द बिट्स ऑफ दैट फ्लेवर दैट यू लव्ड एंड रिमूव्ड ऑल द बिट्स यू हेटेड, देन एडेड अ लिटल पिंच ऑफ पार्सले दैट वॉज द स्मेल। अबे क्या बकवास कर ले जा रहा है तुम्हें, यहाँ है क्लीनिंग करवाने, सीधी सी बात बोल दे भाई। नेचुरली आई फॉलोड इट एंड हैडन गॉट मोर देन हाफ अ नॉटिकल माइल ड्यू वेस्ट व्हेन दिस ह्यूज वेव केम आउट ऑफ नो वेयर, अच्छा ठीक है, स्कूप्ड मी अप एंड बीच्ड मी ऑन द फोर शोर लाइक अ क्यूरियस बेलूगा, ओके तो पानी में भाई इसको डुबा दिया पूरा एकदम, ऐसे वेव आई लहरते हुए और एकदम हो गया इसका काम, ठीक है। इट्स गोना नीड अ गुड होजिंग बिफोर आई हिट दोज वेव्स अगेन, ठीक है। $1,150 मिलने वाले, स्टार्ट जॉब करते हैं भाई, मेयर से तो ज़्यादा ही पैसे दे रहा है एटलीस्ट। ओके तो चलो गाइस यार अभी जॉब को शुरू तो करते हैं भाई। क्या ही मस्त जगह है भाई ये, अपन भाई किसी किनारे में है, बीच तो नहीं है ये, आई थिंक कहीं तो बाहर बाहर जा रहे हैं ये लोग, किसी और आइलैंड पे है ना। सिर्फ ये शिप है और इसको क्लीन करने के लिए अपने क्या क्या टूल्स दिए हुए हैं, सिर्फ कुछ नहीं दिया हुआ भाई, वेरी नाइस। बस इसमें मेरे को $200 मिल जाए ना जैसे तैसे करके, डोंट टेल मी। हाँ बस ठीक है, ये पूरा क्लीन करना है, ठीक है समझ गया। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर मैंने क्लीन कर दी ना इसके अंदर तो मेरे पास $2,400 हो जाएंगे, फिर मैं ना वो तीन वाला जो है ना वो खरीदूंगा, ठीक है गाइस। तो अपन सबसे पहले ये लॉन्ग एक्सटेंशन ये सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी नीचे चल के देख कर आते हैं फिर क्या सीन है इसका। आई थिंक मेरे को पहले नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी क्या इसकी, हाँ ना, चलो ठीक है कोई सीन नहीं, कर देंगे इसको क्लीन। आई थिंक इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और इससे भी टाइम तो लगेगा। एक रुको, मेटल, ओए ये तो बहुत इजी होने वाला है इस मेटल है ना, तो समझ रहे हो। आई गॉट अ से दैट इन ऑल माय टाइम एट सी आई हैव नेवर सीन अ वेव लाइक दैट बिफोर, आई एम ब्रेकिंग माय ब्रेन जस्ट ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट कुड हैव कॉज्ड सच अ थिंग, नेवर माइंड व्हाटएवर, आई डोंट केयर ब्रो। ये देख रहे हो भाई क्या चमका देंगे इसको, तो पहले कैन व्हाटएवर गाइस, लेकिन इसको क्लीन करने में मजा आएगा क्योंकि पूरा मेटल की है भाई, और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई मेटल से कितना जल्दी क्लीनिंग कर देगा। एक रुको ना, मेटल वाला है मेरे पास 24 लीटर पड़ा हुआ भाई, रुको। वेल बॉयज बहुत मजा आने वाला है, इसको रिफिल कर देता हूँ तो या।
तो यहाँ पर मैंने काफी ही अच्छे से क्लीनिंग तो कर दिया इस शिप की भी, लेकिन गाइस काफी सारी चीजें ना बची हुई है मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ना क्लीनिंग हुई नहीं है पूरी की पूरी भाई। एक तो उसकी ब्रिज वॉल बची हुई है, पता नहीं अब ये क्या सीन है भाई, क्योंकि मैंने नीचे से तो पूरी की पूरी क्लीन कर दी है इसको। एंड लेट्स सी क्या चमक रहा है भाई ब्रिज वॉल, क्या है ये ब्रिज वॉल अब? आई थिंक मे बी कहीं नीचे से तो नहीं है ये, अब कुछ तो चमकना चाहिए ना भाई, चमक भी तो नहीं रहा है, बात ये है। ब्रिज वॉल, व्हाट इज ब्रिज वॉल नाउ ब्रो, कम ऑन यार। ब्रिज वॉल क्या है? अच्छा ये है ब्रिज, ये है ब्रिज वॉल, ओके गॉट इट। ऑलराइट, सो अपने को यहाँ पे भाई क्लीन तो हो रखी है वैसे ये, लेकिन आई डोंट नो कुछ तो पंगा होगा शायद से, थोड़े कुछ डिटेलिंग में थोड़ा गंदगी हो रखा होगा ना, इसलिए मेरे को क्लीन करना पड़ेगा इसको भी। वैसे मैंने इसको पूरा चमका दिया है, बट आई डोंट नो स्टिल ये क्यों दिखा रहा है ऐसा, ये क्या सीन है भाई? वो दीवार तो पूरी चमकी हुई है ना, लेकिन इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हेलो, ओके हो गई। लेट्स गो, अभी क्या बचा है? अभी बचा है ब्रिज विंडोज़ बची हैं, इधर की सारी विंडोज़ हो चुकी हैं, इधर की कोई ना कोई तो बची होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट, मुझे पता था, क्योंकि हो गई ये भी क्लीन हो गई है, ठीक है। अभी बचा है कैबिन, अभी कैबिन क्या चीज़ है भाई? कैबिन तो यही है वैसे देखा जाए तो ना, कैबिन तो यही है, पर चमक नहीं रहा है। ओ ये है कैबिन का, ठीक है समझ गया। तो एक सेकेंड, कैसे चमकेगा भैया वापस? ओके तो ये नीचे का पार्ट है ना पूरा का पूरा, वो अच्छा नीचे वाला कैबिन है, ओके ठीक है। ऊपर वाला आई थिंक ड्राइविंग वाला है, ठीक है। सो इधर तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है वैसे देखा जाए तो, बचा गया दरवाज़ा हो गया यहाँ का, ठीक है क्लीन तो कर दिया इसको मैंने सही से यार, है नीचे बच गया। ओह अच्छा अच्छा रुको, आई थिंक डिटेलिंग में कुछ तो बचा हुआ है यहाँ पर, इधर बचा हुआ था, इधर का हो गया ठीक है, इधर का भी हो गया है, वेरी नाइस। क्या बचा हुआ है भाई? थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं उनको मैंने क्लीन कर दिया है पूरा का पूरा, नीचे से तो पूरा क्लीन ही हो रखा है, ठीक है। यहाँ से भी कर दिया है, इधर भी हो गया है, पूरा चमक गया भाई। ओके ये भी फाइनली हो चुका है, कैबिन ट्रिम बचा हुआ है, तो कैबिन ट्रिम आई थिंक नीचे वाला बचा हुआ है, ठीक है। अभी नीचे वाला क्लीन तो करते हैं मैंने, लेकिन यार पता नहीं कि छोटी मोटी चीज़ें बचती रहती हैं ना, चीज़ बड़ी बेकार लगती है यार इसमें ना, साला सब कुछ इतना अच्छे से चमका दिया ना, उसके बाद भी भाई फालतू में चमकती रहती है ये मेरी बात के। ओके यहाँ पे कुछ तो बचा हुआ था, आई थिंक कर तो दिया अब तो क्लीन यार, अब तो हो जा, हो गया चलो हो गया फाइनली। ओके अभी बचा है फेयर लीड्स, अभी यार ये क्या चीज़ है अब फेयर लीड्स? देख क्यों नहीं रही भाई फेयर लीड्स, हेलो कुछ चमक रहा है यहाँ पे फेयर लीड्स? कुछ चमक तो रहा नहीं है वैसे, आई थिंक मे बी नीचे का कोई पार्ट है ये, हेलो एक बार नीचे चल के देख लेते हैं। नीचे तो कुछ चमक रहा है नहीं वैसे, इधर भी नहीं चमक रहा है, सब कुछ क्लीन हो चुका है इधर तो। रुक जाओ, आई थिंक मे बी ऊपर से मेरे को पता लग जाए क्या बचा हुआ है, टॉप पे चलते एक सेकेंड रुक जाओ, तो यहाँ से चमक जाएगा अगर कुछ बचा होगा तो। फेयर लीड ठीक है, छोटू से जो ये आई थिंक मेरे सामने से, नहीं ये तो नहीं है फेयर लीड भाई। एक सेकंड मार्क क्यों नहीं हो रहा है, एक तो ये अबे मार्क भी नहीं हो रहा है गाइस ये तो। ओके यहाँ पे मेरे को कील भी मिल चुका है, ये क्या है भाई, इसको क्लीन कर देता हूँ। अबे क्लीन तो हो रखा है पूरा का पूरा, इतना तो क्या बचा हुआ इसमें, चमक क्यों रहा था ये बिन बात के भाई, इसको क्या सीन है यार, हील कर तो दिया क्लीन, यहाँ पे कुछ तो मिट्टी विट्टी तो है नहीं इसमें, चमक तो रहा था ये बट पता नहीं गाइस, क्लीन तो हो रखा है फिर भी पता नहीं क्यों दिखा रहा है ये, जो एक सेकंड देख लेते हैं क्या सीन है भाई इसका भी। चमक तो रहा नहीं फिर भी यार, ये कर तो दिया क्लीन मैंने इसको, चमकना तो चाहिए ना, फिर की चमक ही नहीं रहा। आई होप कि यही हो ये कील वील जो भी है भाई,
चमक तो राधा ना भी ये देखो। ओह अच्छा ये पूरा ही है क्या? अच्छा अच्छा रुको रुको रुको। ओह भाई ये देखो गाइज इसकी हालत देखो तुम लोग। अब क्लीन हुआ ना भाई ये। अभी देखते हैं फेयर लीड क्या चीज़ है। ठीक है 7 और 8, 8 होती है ना ये टोटल। तो आई थिंक अगर ये 8 है ना तो मेरे को मैं समझ गया हूँ क्या चीज़ है फिर तो। ये मे बी ना ये जो छोटी सी स्ट्रिंग्स लगी हुई है ना इनमें से कुछ ना कुछ होगा ये प्रोबेबली। देखो 1 2 3 इधर होगा। अरे नहीं 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 ये बचा है, ये बचा है। ठीक है ठीक है। हेलो फ्रेंड कैन यू कम एंड वॉश माई रिक्रिएशनल व्हीकल अगैन प्लीज़। अच्छा ये पहले वाली भी। अबे ठीक है भाई जो भी है अपन ने यहाँ पर इसको भी वापस से क्लीन कर दिया है गाइस। बोट या शिप जो भी है इसको, आई मीन शिप ही है ना। हाँ पता नहीं बोट थी कि शिप थी, आई थिंक हाँ बोट थी। तो इसको भी अपन ने यहाँ पर क्लीन कर दिया है भाई। शिप बड़ी होती है यार। शी लुक्स सो गुड, आई डोंट नो इफ आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू पुट हर बैक इन द वॉटर। ऑल्दो हाउ वेल्स एम आई एवर गोइंग टू फाइंड द सोर्स ऑफ दैट इनक्रेडिबल अरोमा। आई डोंट नो ब्रो बट थैंक यू सो मच फॉर द 1500। और ये वही रिक्रिएशनल व्हीकल है लेकिन इस बार आई थिंक कलर चेंज हो गया है इसका एंड इसका $600 मिलने वाला है। और इसी के साथ मैं इक्विपमेंट खरीदने वाला हूँ सबसे महंगा वाला $2400 का। लेट्स गो बॉयज, आई थिंक मजा आने वाला है। एक बार देख लेते क्या सीन हो गया इसका। हेलो देयर माय ट्रांसपोर्ट इज डर्टी एंड मेकिंग मी सो सैड, प्लीज क्लीन इट अप सो आई कैन स्माइल वंस मोर। ठीक है $600 देगा ये। आई थिंक वहीं पर डेजर्ट में इतने देर से घूम रहे थे ना तो शायद से ये गंदी हो चुकी है वहीं पर डेजर्ट में। लेट्स गो। एंड अभी मैं जो ट्राई करना चाह रहा हूँ ना गाइस ये है वो। ओ भाई ये मस्त चीज़ है। ओहो लेट्स गो। तो अरे भाई इसने तो रिक्रिएशनल व्हीकल बोला था ना। अब ये क्या मजाक है भाई। हेलो यूएफओ कहाँ से आ गया इधर। हेलो भाई ये क्या मजाक है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, साला स्कैम कर रहे भाई। ये देखो गाइस ये देखो तुम लोग। हाँ क्या बोलते हैं, हाँ इजी पीजी भाई। इससे कितना जल्दी जल्दी क्लीन हो रहा है, तुम ये देख रहे हो भाई लिटरली मजाक सट के इससे कितना जल्दी जल्दी क्लीन हो रहा है भाई। पानी की तो ज़्यादा ही बर्बादी हो रही है इसमें तो, लेकिन देखा जाए तो बट स्टिल भाई इसमें बहुत तगड़े तरीके से क्लीन हो रहा है। रुक जाओ मैं तो ये लगाऊंगा भाई। चलो भाई देखी जाएगी अब तो, दूर से बैठ के अपन क्लीनिंग करेंगे भाई इसकी। समवन हिट अस यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट इवन वी आर अनफैमिलियर विद, डिसेबलिंग आवर एंटायर सिस्टम्स विद अ स्ट्रेंज सब्सटेंस एंड फोर्सिंग अस टू क्रैश लैंड। अच्छा इसी की बात चल रही है इनकी, आई थिंक सो। बट गाइस इससे काफ़ी ही जल्दी क्लीनिंग अपनी होने वाली है भाई। ये क्या ही मस्त टूल मिला है अपने को। अगर ये मैं पहले खरीद लेता ना तो मेरी शिप का काम बहुत जल्दी हो जाता है वैसे देखा जाए तो, बट क्या ही कर सकते हैं। लेकिन भाई मज़ा आ गया। अबे कसम से इससे तो बहुत जल्दी काम हो जा रहा है अपना। अपने को लिटरली ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो इसमें ना इतना जल्दी जल्दी क्लीन हो रहा है तो भाई कुछ काम करने की ज़रूरत ही क्या है अपने को भाई। ये देखो तुम, ये देख रहे हो, लुक एट दैट, लुक एट दिस गाइस भाई। इजी पीजी हाँ, बहुत आराम से क्लीन कर सकते इससे तो भाई, बहुत आराम से। आई थिंक अब मैं हर एक शॉप आई मीन हर एक वॉश में इसी को यूज़ करने वाला हूँ मे बी, क्योंकि इससे काफ़ी ही एक तो तगड़े वाले जो मतलब डर्ट लगी रहते हैं ना वो यूँ चमक जाती है भाई कसम से। लेट्स गो, इसको तो अपन चमका दिया यहाँ पर। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक सुनो मैं अगर ये यूज़ करता हूँ तो इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं करेगा क्लीन है ना, इससे ज़्यादा बढ़िया क्लीन करेगा। रुको लेट्स गो, इस गोले को भी साफ कर देते हैं यहाँ पर ईजी पीजी। वेरी नाइस भाई कितना सही है यार ये वाला चीज़ तो। मस्त टूल ले लिया गाइज अपन ने तो कसम से भाई, मस्त टूल खरीद लिया है कुछ भी बोलो तुम लोग। लेकिन क्लीन क्यों नहीं हो रहा है बेस में, अबे क्लीन को ना हो रहा है ये। नहीं नहीं क्लीन हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। थोड़ी बहुत डर्ट बची हुई है ना वो बच हो जाए तो उसके बाद तो पूरा आराम से क्लीन हो जाएगा। देखो भाई देखो 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 शीश ब्रो, ईजी पीजी हाँ बहुत ईजी हो गया इससे तो यार, मज़ा आ गया। चलो गाइस को फटाफट से क्लीन कर लेते हैं अपन ठीक है। अरे तो भाई ऐसे ही हो जाएगा बात करते करते ही लिटरली ब्रो। चलो यहाँ कर देते हैं इसको स्प्रे। वी फ्लू क्लोज टू द वॉल्केनो इन द डेड ऑफ नाइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन विद जस्ट अ फ्यू लाइट्स ऑन। अच्छा तो मैं क्या करूँ, मेरे को क्यों बता रहा भाई तू। आई थिंक इन्हें कुछ तो क्रैश व्रैश हो गया, मेरे को क्लीन करने के लिए बोलेगा ये भी। चलो ना रिक्रिएशनल व्हीकल बोल के लेकिन यूएफओ क्लीन करा दिया भाई, मेरे को धोखा लगा भाई बहुत गंदा वाला। चले स्कैमर लोग, कहीं एलियंस ने तो फ़ोन नहीं कर दिया इनके इनके उससे मैसेज वैसेज कर दिया हो मेरे को भाई, क्या पता भाई कुछ भी हो सकता है। वैसे ही ऐसी ऐसी जगह है ना यहाँ पर तो चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही हैं।
बट स्टिल बॉयज लेट्स गो। भाई काफ़ी जल्दी जल्दी क्लीनिंग हो चुकी है, सिर्फ देख रहे हो क्या? आए आए मज़ा आ गया। तो भाई सर यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लीन कर दिया, लेकिन पता नहीं यार इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना रह जाती है हर बार, तो देखते भी क्या क्या बचा हुआ है उनको अपन पूरा कर देते हैं। हाइपर रैप इंजन बचा हुआ है, लेट मी चेक ये क्या चीज़ है। अच्छा उस साइड में है, ये चमक तो रहा है। वैसे ये चीज़ बढ़िया है कि चमकता है ना तो पत्थर से लग ही जाता है। चलो ये चीज़ वो अच्छा, मैंने इधर ध्यान ही नहीं दिया था लॉल। चलो मैं ऊपर आया नहीं ना क्योंकि साइड में आया तो था लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया साइड में, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इसको भी अपन यहाँ पर चमका देते हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्या बचा इसमें? हो तो गया पूरा, हो गया पूरा। हाइपर प्रोपल्शन ड्राइव बचा हुआ है, ये है इस साइड का। कुछ रस को भी अपन चमका देते हैं। भाई क्या बचा इसमें? तो क्लीन तो हो रखा है ये वैसे ऑलरेडी, तो पता नहीं क्या बचा हुआ इसमें। जो भी है रुक जाओ, इसको भी क्लीन कर ही देते हैं भाई, ताकि कुछ भी पंगा वंगा ना हो यहाँ पर। वेरी नाइस, अच्छे से चमका दिया है, लेकिन चमक नहीं रहा भाई ये ऐसा क्यों है भाई? चमक कहाँ ही नहीं रहा है ये, तो क्यों इसकी मैं ऐसी चमक क्यों नहीं रहा है? आई थिंक मे बी इसकी वजह से शायद से क्लीन ना हो रहा हो, मे बी ये यूज़ करना पड़े इसके लिए, पता नहीं, नॉट श्योर अबाउट दैट। बट लेट्स सी, उससे तो क्लीन हो जाना चाहिए बल्कि ज़्यादा जल्दी, बट मे बी कुछ ना कुछ पंगा होगा। अच्छा ये आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा सीन हो रखा होगा इसका, लेकिन नहीं क्लीन हो रहा भाई ये तो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट गाइज बट ये क्लीन नहीं हो रहा है। कुछ तो बचा हुआ है यहाँ पर, रुको तो जरा।
क्लीन हो जाना साले, क्या नाटक क्या कर रहा है फालतू के हैं। अच्छा समझ गया समझ गया, ओके ओके रुक जा रुक जा रुक जाऊँ। ये आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि अंदर ना वहाँ से क्लीनिंग नहीं हो रही है किस लिए। अरे वो नहीं दिया क्या इन लोगों ने? अच्छा लेटर दी तो है, रुको यहाँ से क्लीनिंग करते हैं ना भाई। मैं सोचूँ क्या सीन इसका है, हो गया बस। देखा इतना ईजी था, अभी भाई कितनी सारी चीज़ें बची हैं। ये है लैंडिंग ग्रिप्स, कुछ रही है देखने दो उसका क्या सीन है भाई। क्लीन तो मैंने इसको कर दिया बट क्लीन क्यों नहीं हो रहा। चलो ये भी हो गया, और कुछ बचा है इसमें? अच्छा ये कुछ और है, अच्छा ये है ये। एक मिनट रुको जरा, इसका क्या सीन है भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या दर्द है भाई तेरे? ये भी हो गया ठीक है, एंड लैंडिंग हिंज बचा हुआ है। तो ये क्या चीज़ है? ये है ठीक है, रुक जाओ इसको ज़रा अपन हल्का सा चमका देते हैं। अभी एक मैग्नेटिक डिस्क बची हुई है, जाहिर मैग्नेटिक डिस्क भाई। हेलो ये क्या चीज़ है? अभी नीचे तो नो है, ये ऊपर ही होगी मतलब। ठीक है रुक जाओ देख लेते हैं भाई यहाँ पर है क्या। ओके ये रही, दिख तो जाते हैं आराम से, पता लग जाता है कहाँ पे क्या चीज़ है ना। चलो ये भी हो गया है, एंड अभी क्या बचा है? ये ट्रिटेलियम सोसर्स, भाई साहब क्या ही नाम है इसका, देख रहे हो तुम? ये है क्या लेकिन नीचे है क्या ये भाई? ये क्या चीज़ है? चमक तो रानी है, चमक तो रानी भाई ये। हेलो चमक तो रहा नहीं है भाई मैं। अच्छा ओके ये है ये, ठीक है भाई इसको भी क्लीन कर देते हैं अपन। अरे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं भी ना यार, देखो इतनी मस्त चीज़ है मेरे पास फिर भी मैं भी ना गजब करता हूँ यार। ये आई थिंक यहाँ से तो अबे डर्ट तो क्लीन हो रखी है इसके अच्छे से। Let's go, Vishy, you are not going to believe what we have discovered. Come quickly, एक सेकंड भाई, UFO जा रहा है निकल के। Oh my God, भाई recreational vehicle बोल के साला UFO clean करा दिया। Alright, यहाँ पे अपन ने ये देख रहे हो, वो चेंज हो के कन्वर्ट हो गई इसमें UFO से कन्वर्ट हो गई recreational, पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, recreational vehicle से UFO में कन्वर्ट हो गई भाई। Systems are fully operational. Spectral analysis reveals that race mineral with unusual properties. There's not enough time between now and the eruption to fix things here, but we have got a lead that might help us things in the past. You'll know we were successful if you ever see us again. You'll know we weren't if rushless explodes and the skies go dark for 20 years. Thank you again, Power Wash Services. Bhai sahab, clean the lost city palace. आई थिंक ये हमारी लास्ट जॉब होने वाली है इस वाले गेम की, लाइक सिर्फ स्टोरी मोड वाइज देखा जाए तो। भाई साहब वैसे वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले को भी फिनिश कर ही देते हैं अपन, ठीक है। $2,250 मिलने वाले हैं इसके वैसे अपने को, तो क्लीन द लॉस्ट सिटी पैलेस को भी अपन यहाँ पर क्लीन कर देते हैं गाइस, ठीक है। हार्पर एंड आई हिच्ड अ राइड ऑन अ फिशिंग बोट टू सर्च वेयर द हैंड इन द सैंड वाज पॉइंटिंग, एंड I know it sounds crazy, but I think we have found the lost city of Atlantis. Only it is it's in the Pacific. No wonder it was lost, eh? So should it be lost of pacifists or pacifists or pacifists? Regardless, it has very recently resurfaced, and judging by the claims, it must be over 8,000 years old, bhai sahab. Anyway, this place definitely looks related to those statues in the desert, but we need you to head over and give it a clean. There's a lot of beneath the dirt that will help us make sense of it. Harper suggests getting in touch with Carl and seeing if Flo can fly you over. Hope that makes more sense to you than it does to me. $2,250 मिलने वाले हैं इसके, एंड ये वाली बिल्डिंग काफ़ी क्रेजी लग रही है। आई थिंक अंदर से भी क्लीन करना और बाहर से भी क्लीन करना चाहिए इसको। ओ माई गॉड भाई, $2,250 तुम समझ रहे हो क्यों दे रहे हैं ये लोग हैं? तुम इसके हालात देख रहे हो एक बार, कितने फ्लोर है इसमें हैं, समझ रहे हो? नहीं भाई मैं नहीं कर रहा गाइस इसमें, भाई मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है तो इसका मैं कल ही रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। कसम से भाई इसमें क्या कुछ है, रुको अगर ट्राई करके देखता हूँ इससे वैसे। आई थिंक वो तो, अरे ये तो पिरामिड टाइप का कुछ तो है क्या, इससे मैं जल्दी क्लीन कर सकता हूँ इसको, है ना? फिर तो टाइम नहीं लगना चाहिए इसको क्लीन करने में यार। चलो गाइस करते 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 करते, ठीक है करते 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 मैं करूंगा भाई, मेरे को करना है इसको क्लीन। लेट्स गो बॉयज,
करते हैं भाई, इसको तो क्लीन करेंगे आज ही। आर यू ड्रूलिंग टू विश, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीवेयर टू स्मेल मोर डिलीशियस। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ऐसी कैसे करा, चल निकल, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, भी डिस्टर्ब मत कर मेरे को, बिल्कुल भी समझ में आ गई तुझे। जो इसको यूज़ करते हैं अपन, ठीक है भाई, इसको यूज़ करके तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये वाला काम भी। लेट्स गो बॉयज, शुरू करते हैं इसका काम भी अपन।
वेल बॉयज, इसको ना क्लीन करने में मेरे को जितना टाइम लगना चाहिए था उतना तो नहीं लगा, लाइक उससे कम लगा, ठीक है। लेकिन आई थिंक इससे मेरा काम जो है ना काफ़ी ईजी हो चुका है यहाँ पर, लेकिन स्टिल भाई बहुत टाइम लग चुका है मेरे को। बट हाँ, इसे थोड़ा ईजी है, लाइक अपने को ना बार बार एक जगह पर स्प्रे नहीं मारना पड़ता डबल टाइम, तो दैट इज़ वेरी नाइस। तो अपना जो है ना जल्दी काम यहाँ पे जो है ना अपना हो जाया करेगा अब से, लाइक जो भी जॉब अपन करेंगे ना तो काफ़ी इजीली अपन जो है ना क्लीन कर पाएंगे अभी, ठीक है। तो पैलेस फिगर हेड, अच्छा आई थिंक ऊपर का बचा हुआ है, रुको एक सेकंड मैं ज़रा मार्क कर लूँ क्या क्या चीज़ें बची हुई है ना। एक तो ये बचा है और ये क्या है, पिरामिडियन जेम, ये क्या है भाई, आई थिंक एकदम टॉप पे जो एक जेम लगा हुआ है ना शायद से उसकी बात कर रहा है क्या, प्रोबेबली, लेट्स सी, आई थिंक सो मे बी। रुको जरा ऊपर चलकर आते हैं, इसके ऊपर मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था बट चढ़ नहीं पाया था पहले, बट लेट्स सी अगर इस पर चढ़ जाते तो आई थिंक इसी के बारे में बात चल रही है ना। ये यही है क्या, ये तो पेडेस्टियल है, अब पेडेस्टियल है ना, तो जेम कहाँ है भाई, हेलो देर इज़ नो जेम ओवर हियर, तो आई थिंक ये तो नहीं है फिर मेरे हिसाब से, जैम कहाँ, अच्छा हाँ हाँ रुको रुको रुको, आई थिंक मे बी एक तो ये है जो कि क्लीन नहीं हुआ है क्या, क्लीन तो हो गया वैसे ये, तो ये क्या कुछ यहाँ पे कुछ बचा है क्या, वैसे एक जैम तो यहाँ पर ही लगा हुआ है जितना मुझे पता है, एक जितना मुझे याद है ना एक जैम तो यहीं लगा हुआ था, यही है क्या, नहीं सॉरी साइड नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, वो आई थिंक उस साइड में था, आई एम नॉट श्योर, एक सेकेंड यहाँ पे अभी ये भी बचा हुआ है, अच्छा ये फिगर हेड ये है क्या, इसकी बात कर रहा है ये, ओके ओके रुको रुको रुको, मेरे को लगा वहाँ पे थोड़ा ओ ये बचा हुआ था, ठीक है तो क्लीन हो गया, लेकिन ये जो जेम है, जेम 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 इसी के बाद चल रही है आई थिंक, ये जो पिरामिडियन जेम, ओए वो क्या हुआ है इसकी, अचानक से क्या हुआ ये भाई, सब ऊपर से प्लेन जा रहा है, अच्छा इसको पूरा क्लीन करने के बाद में जैम निकलता है, वो क्यों हो रहा है गाइस, गाइस रुक जा रुक जा, उसको फटाफट क्लीन करने दो, कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, इसके यहाँ किसके, रुको रुको रुको, कुछ तो सीन बैठने वाला है भाई, एक सेकंड रुक जाओ क्लीन कर दो फटाफट से, मैं हो गया, कुछ तो हुआ इससे भाई, क्या हो रहा है, वो यूएफओ आ रहा है, ओए ये वोल्केनो पे कुछ तो कर रहा है, लुक एट दैट, वो भाई उसके यूएफओ ने प्लेन क्रैश करा दिया भाई, यूएफओ ने गायब हो गया यूएफओ, ओ माय गॉड भाई क्या मस्त जगह है, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे भाई वॉल्केनो सब कुछ है, अपन हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ पर, लेकिन भाई बहुत गलत सीन हो गया यहाँ, तो मैं वापस निकल लेता हूँ अपनी वैन को, अच्छा इस पर वॉट अपनी वैन टंगा के आए थे भाई इसके ऊपर, वेरी नाइस। वेल गाइज, अपन ने इस वाले जो भी था ये भाई पैलेस जो भी था इसको अपन यहाँ पे क्लीन कर दिया, बहुत टाइम लगा लेकिन बहुत मज़ा आया इसको क्लीन करने में, क्योंकि जो मशीन अपने को मिली है ना, लाइक जो वॉशर मिला था वो काफ़ी बढ़िया था, इसलिए देख रहे हो बाहर से चमकाया अंदर से चमकाया भाई। पावर वॉश सर्विसेज, यू डिड इट, आफ्टर यू क्लीन आवर शिप वी वेंट फर्दर बैक इन टाइम, methodically tracing your steps one job at a time right back to the backyard cleaning days, while doing so we pieced together Blake Thrust ambitions, Thrust was obsessed with the lost city of pacifist and after discovering that their tech was powered by a rare ore, ye diamond ki baat kar rahe gem ki, set up illegal mines here there and everywhere, he struck a rich seam inside Mount Rustless, acha, and used it to develop his own tech while also hoping to create enough tectonic movement to push the lost city टू द सर्फेस। भाई साहब आई थिंक इसके नीचे ना एक लॉस्ट सिटी है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे बाहर, मे बी। वॉट ही डिडंट रियलाइज दो इज दैट बाई डी एस्टैब्लिशिंग द वॉल्केनो ही नियरली कॉज्ड अ ग्लोबल एपोकलिप्स। भैंस की आँख, नोइंग दैट द अंडर वाटर सिटी ले डॉर्मेंट अंटिल दिस मोमेंट, ब्ला 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 ब्ला, थैंक्स टू यू द टाइमलाइन इज नाउ रिस्टोर्ड एंड वी कैन रिटर्न टू आवर टाइम एज हीरोज, हीरोज विद रेड वेलवेट केक। ये वही वाले है ना शायद से हीरो वगैरह जिनके वो मूर्ति वूर्ति बनी हुई थी स्टैचूज। PS, please feel free to use मैसेज एज अ कस्टमर रिव्यू इफ यू थिंक इट वुड हेल्प योर बिजनेस, ठीक है। 2250 भी मिल गए यहाँ पर, और हमारा पावर वॉश खत्म हो चुका है यहाँ पे। स्पेशल में देख रहे टॉम्ब रेडर का घर है भाई, एक मिडगार है, अच्छा मिडगार तो उसमें था ना गॉड ऑफ वॉर में, या बैक टू द फ्यूचर, स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स, और ठीक है तीन चार जॉब्स है स्पेशल में। कैरियर में चले तो यहाँ पे बोनस जॉब्स में भी अभी बहुत सारी बची हुई है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जॉब्स हैं, ये भी करेंगे अपन, और चैलेंज मोड वोड तो नहीं कर रहा भाई मैं, ठीक है। पर यार गाइस फाइनली अपन यहाँ पे कैरियर ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा, देख रहे हो क्या, ये लॉस्ट सिटी पैलेस को करने में तो भाई
जिससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये अभी तक की ना सबसे ज़्यादा जिसमें पैसे मिले ना, ये वो वाली जगह है। इससे पहले अपने को सबवे प्लेटफॉर्म में मिले थे, लेकिन भाई मज़ा आ गया। या वेल या गाइस, आज के इस एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। अगर मज़ा आता नीचे लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।